अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एक अकलमंद बुढ़िया का जवाब। एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देखकर फरमाया कि बुढ़िया, उम्र यूं ही चरखा काटने में गुजरी या कुछ अपने खुदा की भी पहचान की? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा सब कुछ इसी चरखे में देख लिया। फरमाया, बड़ी भी ये तो बताओ खुदा मौजूद है या नहीं? बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, हर घड़ी और रात दिन हर वक्त खुदा मौजूद है। आलिम ने फरमाया, मगर इसकी दलील? बुढ़िया बोली, दलील ये मेरा चरखा। आलिम ने पूछा, ये कैसे? वो बोली, वो ऐसे कि जब तक मैं इस चरखे को चलाती रहती हूँ ये चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब रुक जाता है। तो जब इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाले की ज़रूरत होती है तो जमीन व आसमान, चांद सूरज, इतने बड़े चरखों को किस तरह चलाने वाले की जरूरत ना होगी? मौलवी साहब ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि आसमान व जमीन का चरखा चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया कि एक है, और इस दावे की दलील भी यही मेरा चरखा है, क्योंकि जब इसको मैं अपनी मर्जी से एक तरफ को चलाती हूँ ये नतीजा में मेरी मर्जी से एक ही तरफ को चलता है। अगर कोई दूसरी चलाने वाली भी हो, मानो मेरी मददगार हो होकर मेरी मर्जी के मुताबिक चरखा चलाए चलाए तब भी चरखे की रफ्तार तेज़ हो जाती हो जाएंगी, और इस तरह चरखे की रफ्तार में फर्क आ जाएगा, जिससे वो नतीजा हासिल नहीं होगा। और अगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ चलाती तो मुखालिफ जहत पर तो ये टूट जाता। इस वजह से कोई दूसरी चलाने वाली नहीं है। इसी तरह आसमान व ज़मीन का चलाने वाला अगर कोई दूसरा होता तो ज़रूर आसमानी चरखे की रफ्तार तेज़ होकर दिन रात के निज़ाम में फ़र्क आ जाता या फिर टूट जाता। जब ऐसा नहीं है तो ज़रूर आसमान व ज़मीन की चरखों को चलाने वाला एक ही है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।